Hello and welcome to this session. I hope you are all doing great. And in this session, I will talk about our pen drive course for SSC Junior Engineer or DMRC Junior Engineer course for Electrical Engineering. बहुत सारी inquiries थी हमको कि सर Electrical Engineering का भी course आप launch कीजिए जैसे आपने Mechanical और Civil का किया हुआ है. तो उसी के regarding मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको each and every detail इस course के बारे में बताऊँगा and how it will helpful for you. तो सारी बातें हम इसमें करेंगे एक-एक करके. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो आपकी एग्जाम, ये जो हमारा कोर्स है, जो पेन ड्राइव कोर्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है और कौन कौन से एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा. तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है और ये मेनली जेई एग्जाम के लिए वैलिड है. और इसमें आपकी जो एग्जाम्स होती है कंडक्टिंग बॉडी जैसे SSC जेई हो गया, आपका DMRC हो गया, UPPCL हो गया और अदर स्टेट एग्जाम्स हो गए. इनफैक्ट आपके जो एग्जाम होती है जो रेलवे करवाती है RRB, JEE और SSE, तो इन सभी के लिए ये कोर्स जो है यूजफुल है. और अगर मैं क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्वालिफिकेशन तो देखिए एक तो होती है डिप्लोमा और एक होती है बीटेक लेवल. तो इसमें जो ये जो हम बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर की वो मेनली डिप्लोमा लेवल का है और इसमें जो पर बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी इसको इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हैं तो उनके लिए भी ये यूजफुल है. तो बेसिकली कुछ चैप्टर्स तो इसमें कॉमन ही है डिप्लोमा और बीटेक के, और बीटेक के लिए तो सबसेट है तो उनके लिए तो ये यूजफुल है ही और डिप्लोमा के लिए तो कम्प्लीटली यूजफुल है. इसके साथ बीटेक के कुछ और चैप्टर्स होंगे और मे बी कुछ और चैप्टर्स इन एग्जाम्स में अलग भी पूछे जाते हैं, तो ऐसा भी कुछ है तो उसको भी हम इस कोर्स में लेके चलेंगे जिससे कि कोर्स यूनिवर्सल बन पाए. मतलब आपको एक कोर्स से ही आपको कंप्लीट तैयारी कोई भी आपके एग्जाम हो वो हो पाए, तो वो हमारी इसमें सोच है. और तो मैंने आपको क्लियर कर दिया बेसिकली जो SSC JEE DMRC UPPCL एंड अदर स्टेट एग्जाम जो RRB JEE SSE एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल है ये इसमें, और डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है ये कोर्स. ITI लेवल का नहीं है ये, डिप्लोमा एंड बीटेक लेवल का हम लोग कोर्स आपको इसमें करवा रहे हैं. अच्छा, और इसमें जो बच्चे जो बीटेक अभी डिप्लोमा कर रहे हैं और जो बच्चे अभी बीटेक कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ही यूजफुल है क्योंकि वो भी अपने जो भी करिकुलम में पढ़ रहे हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझ के वो अपने जो एग्जाम्स हैं उनको भी अच्छे से निकाल सकते हैं, अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं और साथ साथ में वो कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर सकते हैं. तो ये हमारे इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है. तो हमने ये समझ लिया कि कौन कौन से एग्जाम्स और कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए कोर्स एप्लीकेबल है. तो आइए, हमने बात कर ली है एग्जाम्स की और अब हम बात करते हैं फैकल्टी. फैकल्टी फर्स्ट मायसेल्फ अरुण गुप्ता, जो आपको मेनली इसमें सर्किट थ्योरी और मेजरमेंट और आपको एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कराने वाला हूं. अभी हमारे चैप्टर्स जो है इसमें जो मेनली है वो मैं करवा रहा हूं मैं, और कुछ चैप्टर्स जो है जैसे मान लीजिए आपका पावर सिस्टम है वो वकार सर करा रहे हैं. ठीक है, तो बाकी और कौन कौन से चैप्टर्स कौन कौन से सर करा रहे हैं वो आपको डेमो वीडियोस में मालूम पड़ जाएगा और उसके हम डेमो वीडियोस भी हम आपको जल्दी आपको यूट्यूब में कुछ हमने पोस्ट कर दिए और भी हम पोस्ट करने जा रहे हैं इसमें. और फैकल्टीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कंटेंट में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ. तो क्या स्टेप्स होंगे इस वीडियो लेक्चर्स को लेने के लिए वो भी सारी बातें मैं आपसे करूंगा इसमें. तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंटेंट क्या क्या है. इसमें देखो दोस्तों, हम जो है आपको थ्योरी, हमारे जो स्टेप्स रहेंगे थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट प्लस सब्जेक्टिव, तो इस प्रकार से हम चलेंगे. तो थ्योरी में तो हम क्या है फुल कॉन्सेप्ट आपको कराएंगे, एक एक चीज समझा रहे हैं इसमें. फिर ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट लेंगे क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो तो आपको मालूम पड़ता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और साथ में आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे काफी क्लियर होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में. और फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेंगे इसमें जिससे आपको और नॉलेज मिले और आप जो एग्जाम्स है जिसमें सब्जेक्टिव पूछा जाता है तो उसके लिए आपके लिए यूजफुल हो सके. तो हमारा जो है T थ्योरी, O ऑब्जेक्टिव और S सब्जेक्टिव.
तो इस प्रकार से हमने इसको पार्ट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पहली बात तो ये हो गई हमारी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज इसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ वो एसएससी जेई के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बट अगर कुछ चैप्टर्स आपके कोई और एग्जाम के, स्टेट जेई के एग्जाम के, कोई एग्जाम के एक दो और एक्स्ट्रा है तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, अगर स्टूडेंट्स ने, अगर काफी स्टूडेंट्स ने उसकी डिमांड करते हैं तो। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें हम क्या कवर करवा रहे हैं, तो चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, मतलब एक एक चैप्टर करा रहे हैं हम लोग आपको, और इसमें उसके फुल कॉन्सेप्ट्स आपको, कॉन्सेप्चुअल्स पूरे पढ़ा रहे हैं इसमें, और इसमें किस फॉर्म में डेटा रहेगा ये वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में ईच एंड एवरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि बुक्स से आप पढ़ रहे हो, मे बी आपकी जो बुक पढ़ रहे हो सब स्टैंडर्ड बुक है या फिर आपको समझ में नहीं आ रही है चीजें, पर जब आप थ्योरी से आप हम जो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि अगर आपके ये चीज अच्छी नहीं हुई तो आप चाहे कितने भी ऑब्जेक्टिव लगा ले, चाहे कितने भी सब्जेक्टिव लगा ले, उनको रट ले, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थ्योरी आपकी एकदम सॉलिड होनी चाहिए, और वो हमने इस चीज में ध्यान रखा हुआ है। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स वीडियो लेक्चर्स हमने कवर करवाए हुए हैं। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है कि इसमें आपकी जो एसएससी जेई में मुख्यतः 5 यूनिट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसका सिलेबस भी मैं आपको हमारी वेबसाइट में भी मिल जाएगा। तो 5 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो हर एक यूनिट के हम लोगों ने 100+ MCQs करवा रहे हैं, उसके वीडियो सॉल्यूशन हम इसमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आप सोच रहे होंगे कि 100+ MCQ एक यूनिट का है, तो 5 यूनिट का आपके 500+ MCQs हो जाएंगे। ये मिनिमम है, हम इससे ज्यादा ही कराएंगे, बट इतना है श्योर कि अगर हम आपको लिख के दे रहे हैं, इस वीडियो में बता रहे हैं, तो 500+ तो हम आपको दे ही दे रहे हैं। जैसे 100+ है तो 100+ वो रहेगा, चाहे आपका सर्किट थ्योरी का हो जाए, आपका मेजरमेंट का हो जाए, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो जाए, तो इस कोर्स में ये इंक्लूड है। तो 100+ MCQs आपको मिल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं ईच यूनिट के, मतलब 500 से ज्यादा आपको MCQs मिल रहे हैं, जिसमें आपके काफी कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर होने वाले हैं और आपको कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होने वाला है, क्योंकि आप अगर ऑब्जेक्टिव के स्टेप्स, ऑब्जेक्टिव में क्या कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, क्या क्या बारीकियां होती वो समझेंगे, तो आप जाहिर सी बात है बहुत अच्छा कर पाएंगे एग्जाम्स में। फिर तीसरी बात यह है, सब्जेक्टिव में हम लोग जो है यहाँ पे आपको जो वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं, सब्जेक्टिव का भी हम आपको दे रहे हैं इसमें, और उसमें हम 25+ ऑब्जेक्टिव लेके, सॉरी 25+ सब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं। अगर हमको पॉसिबल हुआ तो हम और भी ज्यादा करा देंगे, हमको कोई इशू नहीं है, बट 25 तो आपको ईच यूनिट के मिलेंगे ही मिलेंगे सब्जेक्टिव के वीडियो सॉल्यूशन। देखो कई बात क्या होता है कि स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं कि भाई एक किताब ले आते हैं और उसमें मॉक टेस्ट दिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, और उसका वो सॉल्यूशन पढ़ते रहते हैं, ठीक है, पर वो सॉल्यूशन क्या है, 3-4 लाइन में होते हैं, पर उस 3-4 लाइन में कंस्टेंट होता है स्पेस का, और अपन इतना उसके कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते, उसकी जो अप्रोच है नहीं समझ सकते। और वीडियो लेक्चर में क्या होता है, नॉट ओनली हम उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम को खोला वो बताते हैं, दूसरा ये बताते हैं कि ऐसे और कौन से सवाल बन सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर आप जो भी देखेंगे सॉल्यूशन का, बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो 25+ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ईच यूनिट मैंने बताया जो है वो भी इसमें हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। फिर इसमें बात है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया हो, नहीं तो मैं आपको ये सारी वेबसाइट में हमने दिया हुआ है डेटा, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो ये 3 चीज मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको ले आ रहा हूं आगे। आगे हम लोग इसमें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए हम आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स हम आपको ऑब्जेक्टिव के प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए, और 5वां 10 आपको मॉडल टेस्ट पेपर हम आपको सब्जेक्टिव के कवर करा रहे हैं। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के 10-10 आपको मॉडल टेस्ट पेपर जो है हम लोग इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये इसका हम आपको पीडीएफ फॉर्म भी दे रहे हैं, प्लस प्रिंटेड फॉर्म जो आपको घर पे भेज दिया जाएगा, बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा, और इसका आप ऑनलाइन फॉर्म में भी इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पीडीएफ भी मिल रहा है आपको, प्रिंटेड फॉर्म भी मिल रहा है, और ऑनलाइन भी मिल रहा है,
तो ये आपके टेस्ट पेपर ऑब्जेक्टिव वाले और ये 10 मॉडल टेस्ट पेपर विद सब्जेक्टिव, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में और प्रिंटेड भी आपको ये मिल जाएंगे। ऑनलाइन का तो मतलब नहीं है, इसमें पीडीएफ मिल जाएगा और उसको प्रिंटेड आपको मिल जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए भी मॉडल टेस्ट पेपर मिल रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक चीज क्लियर हो गई। फिर एक और बात है जो काफी यूजफुल है आप लोगों के लिए, वो है व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या रहता है कि जो स्टूडेंट्स, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है, तो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, रजिस्टर्ड व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, जिसमें आलतू फालतू की कोई बात नहीं और आप कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो अपने फैकल्टी या फिर बाकी स्टूडेंट्स जो है वो उसमें उसको सॉल्व करवाती है, और बाकी जो भी नए अपडेट्स हैं, नए नए एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम के फॉर्म कैसे भरना है, कोई दिक्कत विक्कत जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर सकते हैं। तो बेसिकली कई स्टूडेंट्स को क्या है, एक नेटवर्किंग नहीं मिल पाती है, तो नेटवर्किंग का काम बहुत अच्छा प्रोवाइड कराएगा ये व्हाट्सएप ग्रुप। और हमारा जैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप लोगों पायलट का चल रहा है, काफी स्टूडेंट्स काफी चीज डिस्कस करते हैं और रियली इट इज वेरी यूजफुल फॉर दोस स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली वी विल क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन फॉर एसएससी जेई और जेई इलेक्ट्रिकल और जेई इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो ये सब मैंने आपको जो बता दिया, एक बार फिर से मैं इसको रिकैप करता हूं इस बात का कि ईच चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर का कंप्लीट वीडियो लेक्चर फुल डिटेल में कॉन्सेप्चुअल आप पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, आप 100 प्लस एमसीक्यूज ऑफ ईच यूनिट, अराउंड 500 प्लस आप ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कर रहे हैं, उसका वीडियो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। तीसरा, आप अराउंड 25 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट ईच यूनिट का ले रहे हैं, वो आपका हो गया। फिर उसके बाद में 10 मॉडल टेस्ट पेपर आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, 10 मॉडल टेस्ट पेपर आप सब्जेक्टिव के हिसाब से कर रहे हैं, जिससे आप एग्जाम में प्रैक्टिस कर पाओ, टाइम मैनेजमेंट कर पाओ, तो उसके लिए हो गया। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स फॉर डिस्कशन, एनीथिंग डिस्कशन रिलेटेड टू योर एग्जाम्स और योर एनी डाउट्स यू कैन डिस्कस देयर। सो देयर आर 6 बेनिफिट्स फॉर दिस कोर्स। Now I will discuss about the registration process. So how it will work, I will tell you each and everything in detail. ये जो किट के बारे में, इसका जो PDF है, ये भी आप हमारी वेबसाइट से अभी अपलोड हो जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। और बाकी मैं आपको जो है कवर करा रहा हूँ, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है वो समझते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर ज्वाइनिंग थ्योरी टू प्रैक्टिकल कोर्स फॉर एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल और डीएमआरसी और यूपीपीसीएल वॉट एवर। सो बेसिकली जेई पोर्शन के लिए हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये होगा कि यू हैव टू वॉच आवर डेमो वीडियोज एंड गेट सेटिस्फाइड Satisfied with quality. तो हम स्टूडेंट्स से, हर एक स्टूडेंट से यही कहते हैं कि सबसे पहले आप हमारे डेमो वीडियोस देखें और क्वालिटी से सेटिस्फाइड हो जाएं। अब ये वीडियोस आपको कहां मिलेंगे, ये आपको हमारी वेबसाइट थ्योरी टू प्रैक्टिकल .com में माई एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, SSC, JEE और JEE इलेक्ट्रिकल का जो वीडियो लेक्चर्स है वो आप जरूर देखें, कैसे हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं, कैसे हम कोई चीज सॉल्व करवा रहे हैं, तो वो आप जरूर देखें। फर्स्ट स्टेप आपका ये है। सेकंड स्टेप, जो भी यहाँ पे फीस है तो वो आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट आप पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं पेमेंट, इंस्टा मोजो का लिंक वहां पे दिया हुआ है, अदरवाइज आप बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, वहां पे हमारी रजिस्टर्ड फर्म ट्रस्टवे टेक्नोलॉजीज नाम से है, तो उसका बैंक अकाउंट दिया है, तो बैंक में जाके भी आप कर सकते हैं। तो किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करके, और जो उसकी जो रिसिप्ट होगी या फिर ट्रांजेक्शन नंबर होगा, वो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल आप करेंगे, उसके बाद हमारे स्टाफ आपसे बात करेगा और बाकी पूरी प्रोसेस करेगा। तो मैं आपको अपना नंबर है वो भी आपको इसमें बता दे रहा हूँ, किस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना रहेगा। तो पेमेंट आपका हो गया, और उसके बाद वीडियोस आप कैसे वॉच करेंगे, कैसे देखेंगे, उसके बारे में आपको मैं 2-3 बात बता देता हूं। तो ये जो वीडियोस हैं, आप समझ लीजिए एक एक बात को,
पहले तो हमारा मोबाइल नंबर फर्दर इंक्वायरीज के लिए लिख लीजिए 8003785 23, और हमारी ईमेल आईडी है theory2practical@gmail.com है। इस पे आप क्या करें, आप इसमें अपना नाम, आपका नाम मान लीजिए राहुल है, आप एग्जाम आपका UPPCL का है या फिर SSC JEE का है, ब्रांच लिखना ना भूले इलेक्ट्रिकल और जो भी JEE का एग्जाम है, और सिटी आप मान लीजिए बोकारो के है, तो ये तीन इंफॉर्मेशन आपने देनी रहेगी। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये ईमेल आईडी है, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिक्वेस्ट, ये हमको मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर डेमो JEE इलेक्ट्रिकल लिख दो। तो जो भी हमारे डेमो वीडियोस लेक्चर्स रेडी है वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। तो ये चीज इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको किस प्रकार से ये कोर्स चलेगा, किस प्रकार से रहेगा, वो सारी बातें मैं इसमें आपसे कर लेता हूं। तो देखो दोस्तों, इसमें एक एक चीज मैं लेके चलता हूं यहाँ पे। पहली बात समझिए कि वीडियोस किस में प्ले होंगे, ये वीडियोस विंडोज का कोई सिस्टम होगा आपका लैपटॉप या कंप्यूटर उसमें, या फिर आपका एंड्रॉयड में ये चलेगा, एंड्रॉयड मोबाइल में आप इसको चला सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि बेटर ये रहेगा, क्योंकि डेटा बहुत सारा है, पढ़ना बहुत सारा है, अगर आप विंडोज में देखें, लैपटॉप या पीसी में देखें, तो इट वुड बी बेटर फॉर यू, आंखों के लिए सही रहेगा। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं हो पा रहा है तो ही आप एंड्रॉइड मोबाइल जाएं, पर आई थिंक बेटर ऑप्शन है लैपटॉप पीसी या विंडोज पे आप जाएं। तो पहली बात मैंने आपको बता दिया। दूसरा, कई बच्चे पूछते सर वैलिडिटी क्या है, यहाँ पे कई कोचिंग्स जो है वैलिडिटी रखती है 6 महीना 1 साल, तो स्टूडेंट्स में एक प्रेशर बनता है, तो यहाँ पे कोई प्रेशर की बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पेमेंट करना है, तो इसकी वैलिडिटी ऐसा कुछ नहीं है, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। तो हम आपसे, आप मान लीजिए डिप्लोमा में या थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में ही आपने कोर्स ले लिया, अब आपको तैयारी करते हुए 2 साल हो गए 3 साल हो गए, तो कोई इशू नहीं है आपको, आपको बार बार पे करने की जरूरत नहीं है, आप अपने ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग आप कोर्स को ले सकते हो, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, जॉब करते हो तो तैयारी कर रहे हो, आपको समय ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमने आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, कोई प्रेशर आपके दिमाग में नहीं रहेगा, आप ढंग से पढ़ाई करें, बस इतना ही है। फिर ये बात हो गई विंडोज वैलिडिटी वाली बात हो गई। अब बच्चे बोलते हैं कि इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी क्या, ये एक्चुअली क्या है, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली 5 सेकंड के लिए पड़ेगी। अब इसमें क्या होता है कि कई जो सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है कि जब जब आप वीडियो चलाएंगे वो सर्वर पे होता है, और तो तभी चलेंगे जब आपके मोबाइल या सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड हो, पर उससे आपको काफी डेटा का लॉस होता है, काफी डेटा जाता है, तो हम एक फ्रीडम नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये डेटा है ये आपके सिस्टम से लॉक हो जाएगा, सिस्टम की मशीन आईडी से, तो इसलिए और आगे हमको इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं रहती है, पर जब हम इसमें पासवर्ड डालते हैं तो वो मशीन आईडी लेता है सिस्टम का, तो उस समय ओनली फॉर 5 सेकंड वी रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन। तो आपको इंटरनेट कनेक्शन फुल कोर्स में कहीं भी नहीं चाहिए, जस्ट 5 सेकंड के लिए चाहिए होगा उस डिवाइस पे, तो इंटरनेट कनेक्शन की भी ऐसी कोई इसमें डिमांड नहीं है। तो ये बात हो गई। चौथी बात, स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ये जो है नोट्स का क्या रहेगा सर, क्या आप नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे? देखिए एज सच अभी हम नोट्स इसमें कुछ प्रोवाइड नहीं करा रहे, और हमारा ये मानना है कि बच्चे बोलते हैं सर हमारा टाइम बचेगा इसलिए हमको नोट्स दे दो। नोट्स रेडीमेड किसी से मत लो, नोट्स तभी सबसे इफेक्टिव होते हैं जब आप खुद अपने नोट्स बनाते हो और खुद उस पर आप उसको गौर करते हो, उसको रिवाइज करते हो। तो हम ये कहेंगे कि वीडियो लेक्चर में हमने ईच एंड एवरीथिंग डिटेल आपको बता दी है, और स्टैंडर्ड बुक्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा, खासकर जैसे मालविनो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और भी कुछ बुक्स है उनके नाम मैं आपको बता दूंगा, तो वो तो आप ले ही लीजिए, पर साथ में जो नोट्स जो है आपने खुद बनाने हैं तो ही वो यूजफुल हो पाएगा कोर्स आपके लिए। नोट्स आप खुद के बनाओगे, खुद मेहनत करोगे, खुद सीखोगे, खुद अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है लिखोगे, तो वो काफी यूजफुल रहता है। तो वो बात है, नोट्स वाली बात मैंने आपसे कह दी है यहाँ पे। और ये जो वीडियो लेक्चर्स है मैंने इसकी वैलिडिटी बता दिया, सिस्टम बता दिया, इंटरनेट बता दिया, नोट्स बता दिया, ये सब है। अब इसमें जो आफ्टर पेमेंट क्या प्रोसेस रहेगा वो आपको मैं बता देता हूं। ये वीडियो लेक्चर्स आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट में अभी भी अपलोडेड है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने कोर्स लिया है, अभी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो, बाद में आपको लगा सर इंटरनेट से डाउनलोड पॉसिबल नहीं हो पा रहा है,
आप हमको पेन ड्राइव में वो डेटा भेज दो तो डेटा हम आपको पेन ड्राइव में भी भेज सकते हैं। ये पेन ड्राइव कुछ स्पेशल पेन ड्राइव नहीं होती है, कुछ लॉक ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली जो डेटा है वही है, वो आपको पेन ड्राइव में भी डाल सकते हैं, वही अपलोड हमने नेट पे किया हुआ है। तो डेटा में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, वो एक जस्ट एक डेटा है। और आप चाहे तो हमारा ऑफिस है यहाँ पे जयपुर में, तो वहाँ पे आप आके कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर और भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है डिफरेंट इंडिया के लोकेशंस में, वहाँ जाके भी आप अपने कंप्यूटर से कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसका कोई अलग से कोई चार्जेस उसमें नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंटरनेट से आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और पेन ड्राइव से इस डेटा को आप ले सकते हो। तो ये बात मैंने आपसे बताई, तो ये बात हो गई हमारी। अच्छा, तो ये जो कोर्स है आप पेन ड्राइव हम आपको भिजा देंगे, बेस्ट ये रहेगा, हम आप कोर्स के साथ आपको पेन ड्राइव हम आपको भेज देंगे, तो वो पेन ड्राइव आपको मिल जाएगी, उसको आप संभाल के रखिए और उस डेटा को सेव कर लीजिए अपने सिस्टम में और जब मर्जी आप उसको चला लीजिए। तो ये इस प्रकार से आप इन वीडियोस को देख सकते हो, चला सकते हो। तो क्या प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी इसकी डेटा की। फिर बात आती है कि आफ्टर पेमेंट क्या स्टेप्स रहेंगे। आफ्टर पेमेंट ये रहेगा कि आपने अपना ट्रांजेक्शन नंबर भेज दिया, आपने, उसके बाद आप एक काम करना, यहाँ पे सारी डिटेल लिखने के बजाय मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, थ्योरी टू प्रैक्टिकल डॉट कॉम जाओगे तो वहां पे एक रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन में आफ्टर पेमेंट होगा, या फिर आपको होम पेज में भी मिल जाएगा आफ्टर पेमेंट, तो वहां से आप बात कर लेना। तो वहां पे आपका जो नाम है, एड्रेस है आपको, जिससे हम आपको पेन ड्राइव भेज सके या फिर बाकी कुछ पैम्पलेट्स भेज सके, नेम है, एड्रेस है, और आपका एग्जाम, आपका ट्रांजेक्शन नंबर, ये सब आप डेटा भेज देंगे तो हम आपको, जो हमारा स्टाफ है, बाकी प्रोसेस कर लेगा। खैर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन आफ्टर पेमेंट आप जाओगे तो आपको सारी डिटेल वहाँ पे आपको अपने आप मिल जाएगी। अदरवाइज कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हो 8003378523 पे, या आप ईमेल कर सकते हो theory2practical@gmail.com पे। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है सिंपल, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो खैर ये सारी बात मैंने आपको बता चुका हूँ इसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें हैं। तो अब मैं आपसे बस फाइनल दो तीन बात कहूंगा इसमें। तो देखो पहली बात तो यही है कि आपने डेमो वीडियोस देखने हैं पहली बात, और क्वालिटी सेटिस्फाइड हो जानी है, वो चाहे आप पर्सनल विजिट करें ऑफिस, चाहे आप नेट से बोले, या चाहे आप टीम व्यूअर के थ्रू देखना चाहे वीडियो हमारे, चाहे आप डेमो वीडियोस मंगा लीजिए, तो सबसे पहले आप क्वालिटी सेटिस्फाई हो जाइए, सबसे पहला बात है। दूसरी बात ये एश्योरेंस, मैं अरुण गुप्ता डायरेक्टर थ्योरी टू प्रैक्टिकल से आपको देना चाहता हूँ कि थ्योरी टू प्रैक्टिकल जितना हम बेस्ट कर सकते हैं उतना हम लोग बेस्ट आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई फटाफट करा दिया जाए कोर्स या फिर कुछ स्किप करा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एक चीज आप हमारे डेमो वीडियोस भी देख रहे हो, एक चीज हम अच्छे से करा रहे हैं, एक अच्छी हमारी रेपुटेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसमें चलने वाले हैं और चल रहे हैं इसमें। थर्ड बात इसमें ये है, पेमेंट की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, आफ्टर पेमेंट आपको क्या करना है वो बता दिया, और जहां तक हम समझते हैं कि बेस्ट से बेस्ट जो कोर्स हम लोग बना रहे हैं तो उसमें थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब लेके चल रहे हैं। थ्योरी एकदम अच्छे से करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के सेट अच्छे से ले रहे हैं और सब्जेक्टिव भी अच्छे से ले रहे हैं, तो एक कंप्लीट कोर्स है। आपको महंगी महंगी कोचिंग में जाके 25,000 रुपये 35,000 रुपये बहुत पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, या कहीं जाके रूम ले रहे हैं वहां पे आप 30-40 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं वो भी जरूरत नहीं है। आप अगर सिंसियर हो भाई, देखो अगर आप सिंसियर नहीं हो तो कोई भी कोचिंग चले जाओ अच्छी से अच्छी आप वहां पे नहीं पढ़ सकते, पर यहाँ पे अगर आप सिंसियर हो आप अपनी पेन उठाइए, आप अपनी कॉपी उठाइए, जो हम पढ़ा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उसको आप लिखते जाइए, तैयारी करते जाइए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट ले रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट ले रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स, वीडियो एक्सप्लेनेशन वो देखिए, उसके बाद अच्छे से मॉडल टेस्ट पेपर लगा लो सब्जेक्टिव के भी थ्योरी के, तो कोई शक नहीं है या फिर कुछ ऐसा हो नहीं सकता कि आप नहीं सक्सेस होंगे, आप जरूर सक्सेस होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो देखिए दो चीजें इसमें, एक एज अ रोल ऑफ अ टीचर और रोल ऑफ अ स्टूडेंट, तो एज अ टीचर वी आर डूइंग आवर बेस्ट, हम एक एक चीज पूरा कोर्स कंटेंट बहुत अच्छे से बना रहे हैं वो चीज है। अगर आपका भी साथ रहा, आप भी उसमें अच्छे से पढ़ते हो, तो डेफिनेटली यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, आप रियली में इसमें सक्सेस होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जरूर थ्योरी टू प्रैक्टिकल से आप जुड़े, क्योंकि रियली में एक ऑनेस्ट
एक डेडिकेटेड एक मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे स्टाफ, बहुत अच्छी फैकल्टी पूरा आपको मिल रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा कोर्स कंटेंट, वेल डिजाइन, वेल सिस्टमेटिक सब चीज मिल रहा है। तो जरूर जुड़े और एक बार डेमो वीडियो लेक्चर्स देख के क्वालिटी जरूर सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़े। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे जाना चाहता हूँ, और कुछ भी कमेंट हो तो आप जरूर इसमें लिखे या कमेंट बॉक्स में, और हमको संपर्क करना हो, कॉन्टेक्ट करना हो तो 8003738523 पे, या फिर हमारी जो ईमेल आईडी है theory2practical@gmail.com पे जरूर हमको मेल करें, मेल ड्रॉप करें, और हमारी वेबसाइट theory2practical.com में जाके, माई एग्जाम में जाके SSC JEE या JEE इलेक्ट्रिकल वाला सेक्शन जरूर देखें, और जरूर एक एक चीज, एक एक नोट्स, एक एक चीज समझें, उसके बाद ही आपको इसमें डिसीजन लें। दोस्तों बस याद चाहता हूँ आपसे, और एक सवाल मैं अभी स्क्रीन में पोस्ट कर रहा हूँ, तो आई होप आप इसको सॉल्व करेंगे और उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।